हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो है हमारा चैप्टर 7th है, समग्र मांग, समग्र पूर्ति और संबंधित अवधारणाएं, जिसके अंदर आज हम समझेंगे समग्र मांग क्या होती है, उसके घटक क्या होते हैं। और अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। समग्र मांग का अर्थ क्या है? समग्र मांग से मतलब समग्र रूप से आर्थिक प्रणाली में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग से है। देखो, जब हम समग्र मांग, कुल मांग की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के अंदर सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग से होता है। इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय के रूप में इसको बताया जा सकता है। एग्रीगेट डिमांड जो है व्यय का वो कुल योग है, जिससे लोग आय के अलग-अलग स्तरों पर अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। देखो, एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो खर्चा होता है जो लोग एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान जितनी भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनकी खरीद पर खर्चा करने की योजना बनाते हैं। समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की मांग की कुल मात्रा को मापती है। समग्र मांग को किसी विशिष्ट मूल्य स्तर और समय बिंदु पर उन वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च की गई कुल राशि के रूप में बताया जा सकता है। देखो, जब हम समग्र मांग की बात करते हैं तो इसके अंदर उपभोक्ता वस्तुएं आ जाती हैं, पूंजीगत वस्तुएं आ जाती हैं, निर्यात आ जाता है, आयात आ जाता है, सरकारी खर्चे शामिल होते हैं। एग्रीगेट डिमांड का तात्पर्य बाजार में किसी विशेष वस्तु या सेवा की मांग से नहीं है, यह अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग को दर्शाता है और इसे एक लेखा वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है। ये प्रवाह फ्लो धारणा है। एग्रीगेट डिमांड को निम्न प्रकार से मापा जा सकता है, सामान्य मूल्य स्तर के स्तर में या लोगों की आय के स्तर में, स्तर के स्तर में। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसको सामान्य मूल्य स्तर के रूप में मेयर करते हैं तो वहां पे इसका जो प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड का जो रिलेशन होता है नेगेटिव होता है, पर जब हम इसको आय के साथ मापते हैं तो वहां पे इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। एग्रीगेट डिमांड को हमेशा वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्चे के संदर्भ में मापा जाता है। एग्रीगेट डिमांड को हमेशा इस रूप में व्यक्त किया जाता है, लोग क्या खर्च करना चाहते हैं या लोग आय के विभिन्न स्तरों पर क्या खर्च करना चाहते हैं। एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होता है, चाहे हमारी इनकम जीरो हो, क्योंकि अगर हमारी इनकम जीरो हो तो भी हमारा कुछ ना कुछ खर्चा हमेशा रहता है, जिसके अंदर चाहे तो हम पिछली बचत को यूज करते हैं या उधार लेके कुछ खर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं समग्र मांग अनुसूची क्या है। एग्रीगेट डिमांड अनुसूची एक तालिका है जो अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप कुल खर्चा यानी कि एग्रीगेट डिमांड को दिखाती है। एग्रीगेट डिमांड हमेशा इनकम से संबंधित होती है। अगर हमारी इनकम जीरो है लेकिन तो भी हम कुछ ना कुछ जो है उसके ऊपर एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होती है। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो इनकम के मुकाबले में उतनी नहीं बढ़ती, तो इसका जो कर्व होता है इनकम के नीचे होता है और ये हमें बताता है कि एग्रीगेट डिमांड और वाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये ऊपर की तरफ जाता है और दिखाते हुए ऊपर की ओर झुकता है, जो बताता है कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड में सीधा संबंध है। तो ये हमारी तालिका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इनकम शून्य है तो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड 30 है, जिसके अंदर जो हमारी पास्ट की सेविंग होती है उसको यूज करते हैं। फिर हमारी डिमांड जो है, इनकम जो है बढ़ जाती है, लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड 30 से 35 हो जाती है और ये इनकम से ज्यादा है। जब हमारी इनकम 40 होती है तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो होती है उसके बराबर होती है,
उसके बाद हमारी इनकम यहाँ पे हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 20। लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी हमारी इनकम के अंदर इंक्रीज हो रही है। और इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं, यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे हम लेते हैं, सॉरी ओ एक्सिस पे हम लेते हैं वाई इनकम जीडीपी, और ओ वाई सॉरी ओ एक्स पे हम लेते हैं इनकम या जीडीपी, और इधर हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है हमारा जो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी ये जो है एग्रीगेट डिमांड है। तो उससे पहले क्या होता है कि देखो चाहे हमारी इनकम जीरो है तो भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो बेसिकली जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो जीरो इनकम पे भी होता है, और यहाँ पे जब हमारी इनकम जो होती है वो 40 की हो जाती है तो एग्रीगेट डिमांड जो है उसके बराबर हो जाती है। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ती है, लेकिन हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन वो इनकम के नीचे होती है। मगर मांग के जो घटक है वो हमें देखो, जो अर्थव्यवस्था है बंद अर्थव्यवस्था है तो वहां पे 2 होते हैं, खुली अर्थव्यवस्था है तो वहां पे 4 होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बंद अर्थव्यवस्था है जहाँ पे 2 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, 2 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पे घरेलू उत्पाद घरेलू क्षेत्र है और हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोड्यूसर सेक्टर है, और यहाँ पे कोई सरकारी क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो घरेलू उपभोग के उद्देश्य से जो सामान खरीदा जाता है तो इसलिए उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको उपभोग व्यय कहा जाता है। जो उत्पादक निवेश के उद्देश्य से सामान खरीदते हैं इसलिए उसे निवेश व्यय कहा जाता है। और अगर 3 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। सी जो है उपभोग व्यय है, आई जो है निजी निवेश व्यय है, जी जो है सरकारी व्यय है जिसे उपभोग और निवेश दोनों ही खर्चे शामिल हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं खुली अर्थव्यवस्था जिसके अंदर आ जाता है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और शुद्ध निर्यात। निजी उपभोग व्यय जिसको हम सी से शो करते हैं, एक लेखा वर्ष के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में परिवार द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को निजी उपभोग कहा जाता है जो खर्चा किया जाता है। और यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था की जो व्यक्तिगत हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, जो हमारा निजी उपभोग व्यय होता है, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के स्तर से निर्धारित होता है। उसी तरह निजी निवेश व्यय जो होता है, घरेलू और निजी निवेश जो होती है, वस्तु या सेवाओं को खरीदने के लिए किया गया खर्चा जो उनके पूंजी स्टॉक में वृद्धि करता है उसे निजी निवेश कहा जाता है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। सरकारी खर्चा, इसमें होता है कि जो सरकार जो है उपभोग वस्तुओं की खरीद और निवेश व्यय पर सरकार का जो कुल खर्चा शामिल होता है। सरकारी और निजी निवेश के अंदर अंतर होता है। निजी निवेश का मतलब होता है लाभ के ऊपर विचार किया जाता है, मतलब निजी निवेश जो है इस वजह से किया जाता है जहाँ पे हमें लाभ ज्यादा दिखता है तो हम वहां पे निजी निवेश करते हैं, इसे प्रेरित निवेश भी कहा जाता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है कि जो सरकार होती है वो किसी लाभ से प्रेरित नहीं, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से निवेश करती है, जैसे सड़कें पुलों स्कूल और अस्पतालों आदि का निर्माण किया जाता है। उसी तरह शुद्ध निर्यात एक्स माइनस एम, एक्स जो होता है एक्सपोर्ट होता है, एम जो होता है इम्पोर्ट होता है, इसका मतलब होता है देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध विदेशी मांग। यदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है तो शुद्ध निर्यात का मूल्य सकारात्मक होता है, इसके विपरीत जो है वो नेगेटिव होता है।